खुद को उम्रा का टिस्टा बताकर एक फरियादी के पास से करीबन 3 लाख रुपए भेजने वाले शख्स को आज हम आपको एक तस्वीर लाइव दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक युवक 19 साल का युवक कैसे किसी को अंधेरे में रखकर उसके पास से 3 लाख रुपए ऐंठ लेता है और खुद को सूरत शहर का उमरा पुलिस स्टेशन में डी स्टाफ एसआई बताता है। ये तस्वीर आपको लाइव दिखाते हैं, देख सकते हैं ये युवक है, ये 19 साल का युवक है और ये जो है एक होटल में जहां पर स्त्री और पुरुष होटल में जाते हैं वहां पर अपना आधार कार्ड देकर वहां पर जो है कहीं ना कहीं उनका समय जो होता है उसी होटल का ये युवक चक्कर लगा रहा था और खुद को पुलिस बताकर जो है सबसे पहले वहां पर उस आधार कार्ड डिटेल्स लेता है और वो फरियादी के पास जिस जो फरियादी है उसके घर पे जाता है और आधार कार्ड के आधार पर उसको धाक धमकी देकर बलात्कार के केस में फंसाने के बाद उसके पास से 1.5 लाख रुपए 2 बार में ऐंठ लेता है और उसके बाद जो है फिर भी मन नहीं भरता है। तो ये जो लड़का है 19 साल का जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये और 4 लाख रुपए की मांग करता है और यही नहीं ये सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर के ठीक पीछे उमरा पुलिस स्टेशन के सामने बुलाता है फरियादी को धमकी देकर उसके पास से 4 लाख रुपए और मांगता है। जरा इसको एक बार स्क्रीन पर आप देखिए, ये युवक खुद को आखिर एक डिस्टाफ का पीएसआई बताता है और 4 लाख रुपए और की मांग करता है। तब जो फरियादी होता है उसको कहीं ना कहीं खुद को एक डाउट होता है। डाउट होने के बाद जब उमरा पुलिस स्टेशन में पहुंचता है उसकी तहकीकात करता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में है, तभी उसको पता चलता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति जो है वो जो है पुलिस स्टेशन में कोई है ही नहीं है। तभी जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक जाल बिछाती है फरियादी को लेकर। फरियादी को जो है कुछ न कुछ वहां पर एक बैग में जो है दिया जाता है, उसको इससे जो है टेलीफोन पर बात होती है, बात होने के बाद जो है उसको एक जाल बिछाया और वहां पर जो है पुलिस ने उसको धर दबोचा। कहीं ना कहीं एक इस तरह का जो एक नई जो टेक्निक है उसको आधार बनाकर युवक जो है एक फरियादी के पास से पैसे वसूलता है। कहीं ना कहीं एक हनी ट्रैप का जो मामला है वो सामने आया है। इसमें इस युवक को जो है इस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है हाल में ही। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ उमरा पुलिस इसके खिलाफ में जो है जांच करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भी अगर आपके साथ भी इस तरह के किसी भी होटल में कोई भी व्यक्ति आपके पास से इस तरह का जो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है या फिर आधार पुरावा होता है या कोई मांगता है तो आप भी जो है कहीं ना कहीं चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ना कहीं एक इसी तरह की एक कहानी जो है वो कहीं नहीं लिख सकते हैं। देखना होगा कि इस मामले में पूरा जो है हकीकत जानने के बाद क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।